उस प्रिडिक्शन में क्या लिखा हुआ था? उस प्रिडिक्शन में लिखा हुआ था कि यू कैन नॉट सेव हिमलैंड, यानी कि मैं सेव नहीं कर सकता हूँ। बट इस बंदे की फोटो वहां पे लिखा हुआ था कि दिस गाय विल टेक रीबर्थ एंड विल सेव हिमलैंड्स। एंड गाइस, रीबर्थ तो मैंने लिया है क्योंकि मैं रिस्पॉन हुआ हूँ, बट इस बंदे ने मुझे इन द एंड अपनी स्किन दे दी है। एंड इसका मतलब ये है कि जिस बंदे ने भी प्रिडिक्ट किया था फ्यूचर देखकर, उसने मेरी ही स्किन देखी थी, लाइक मुझे ही देखा था वहां पे उस बंदे ने। अपना हेलमेट उठा के शक्ल तो दिखा देगा पूरी यार, इतना टेंस सिचुएशन में एक सुंदर शक्ल देख के थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा शायद यार। राजा जी, बस ये घड़ी घड़ी का है, बस तेरी सुंदर शक्ल देख लिया, अब शायद से मेरा दिमाग यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियर। तो गाइस, आप लोगों ने पहली क्लिप को तो कायदे से देख लिया होगा जिसमें स्मार्टी भाई रिबर्थ के बारे में बात करते हैं। तो देखो गाइस, वहाँ पर लिखा था कि एक बंदा रिबर्थ लेगा और अपने दोस्त के साथ हिमलैंड्स को बचाएगा, लेकिन वहाँ पर फोटो लगा हुआ था इस बंदे का। तो यहाँ पर वही बात एकदम क्लियर हो चुकी है, ये रिबर्थ वाली बात जिस बंदे ने प्रेडिक्ट किया था उसने स्मार्टी भाई के इस वाले रूप को देखा था, मतलब वो बंदा फ्यूचर में आया होगा या फिर किसी भी हिसाब से फ्यूचर की बात उसने लिखी थी। और वो बंदा फ्यूचर में बिना स्मार्टी भाई को तो देखेगा नहीं, इसका मतलब वो बंदा फ्यूचर में आया था और सब कुछ देख के गया था। लेकिन आखिरकार वो फ्यूचर में गया क्यों था और वहाँ पर गया भी था तो ये वाले पोस्टर यहाँ पर क्यों लगाए, इस बारे में मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आ रही। अगर आप लोगों के पास कोई थ्योरी है इससे रिलेटेड तो कमेंट में लिख देना। तो देखोगे तो वहाँ पर लिखा था कि एक बंदा रिबर्थ लेगा जो कि हिमलैंड्स को आकर बचाएगा, वो भी अपने दोस्त के साथ। तो स्मार्टी भाई ने तो रिबर्थ ले भी लिया है और उसका दोस्त भी मिल चुका है होगुलू, लेकिन आखिरकार होगुलू यहाँ पर कैसे आया? क्योंकि वो तो कोई प्लेयर है नहीं और ना ही कोई एंटिटी, वो तो बस एक एंटिटी का क्लोन है जिसका सिर्फ ब्रेन वॉश किया गया है। गाइस, आप लोग इस वाली क्लिप को देखो, इस होगुलू को भी गाइस इसने पकड़ लिया था बंदे ने हमारे, एंड इसीलिए गाइस होगुलू हमारा ना कुत्ते में कन्वर्ट हो गया था। क्यों? इसमें स्मार्टी भाई कहते कि होगुलू जो है खुद डॉग बना था, मतलब कि उस वॉरियर ने नहीं बनाया था बल्कि खुद बना था होगुलू अपने आप। इसका मतलब होगुलू के पास रूप बदलने वाली शक्ति है। तो जब ऐसा ही था तो इस बंदे ने किसी चिड़िया या फिर बैट वगैरह का क्यों नहीं रूप ले लिया? और ये वाली बात को सुनो कि ये एंटिटी है, इसकी आवाज नहीं है, ये जिस आवाज में बात करता है वो हम लोगों को सुनाई नहीं देती है और तुम लोग ये मान के चले चैट भी नहीं कर सकता है ना। स्मार्टी भाई कह रहे हैं कि ना ये चैट कर सकता है और ना ही कोई बात कर सकता है हमसे क्योंकि ये एक एंटिटी है। लेकिन जब होगुलू स्मार्टी भाई के साथ पहले में था तो वहाँ पर दोनों में बात होती थी बिल्कुल कायदे से। मेरे कहते आप लोग इस वाली क्लिप को देखो, वो बंदा एक्चुअली में हमारे मेन हिमलैंड का बहुत तगड़ा वॉरियर था, राइट है ना, और वो बंदा यहाँ पर आके सब कुछ भूल चुका है। इसका तो इसमें स्मार्टी भाई कह रहे हैं कि जो ये बंदा वॉरियर आया ये बिल्कुल हिमलैंड से आया है, मेन हिमलैंड से। वो बंदा वहाँ पर मरा था और वहाँ पर से यहाँ पर स्पॉन हुआ है, लेकिन ये बंदा तो अभी आया नहीं है, आया होगा कुछ साल पहले और टाइमलाइन की शुरुआत तो अभी जल्दी हुई है। और यहाँ पर मैंने टाइमलाइन क्यों बोला पहले, आप लोग इस वाली बात को सुनो। क्या होता है कि हम लोग अपने हिमलैंड के अंदर जब मरते हैं तो मरने के बाद हम लोग डार्क हिमलैंड के अंदर स्पॉन होते हैं, लेकिन जब से हमारी टाइमलाइन वगैरह रप्चर हुई है उससे स्पॉनिंग वाला सिस्टम भी हमारा इंटरचेंज हो चुका है, लाइक गड़बड़ हो चुका है। तो स्मार्टी भाई कह रहे हैं कि पहले जो मेन हिमलैंड्स में मरता था वो सीधे डार्क हिमलैंड्स के अंदर स्पॉन होता था और अब जो मरता है वो सीधे यहाँ पर स्पॉन होता है, लेकिन जब ये वॉरियर वहाँ पर मरा था तो उसे डार्क हिमलैंड्स के अंदर स्पॉन होता था बल्कि यहाँ पर स्पॉन हो गया ये, और यहाँ पर आकर मान लो सब कुछ भूल गया तो यहाँ पर इसे एंटिटी किसने बना दिया? इसका मतलब कि यहाँ पर भी कोई काली शक्ति या कोई एंटिटी वगैरह है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई एंटिटी या कोई काली शक्ति ना होती तो ये बंदा अच्छा भी तो बन सकता था, क्योंकि नॉर्मल हिमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर सिर्फ नॉर्मल लोग रहते हैं जैसे कि विलेजर वगैरह। बाय द वे गाइस, आप लोग इस वाले क्लिप को देखो, सारे ज़ॉम्बीज हैं। व्हाट? कितना अजीब लग रहा है भाई। मैं इस वाली क्लिप को देखो, एक काम करते हैं फटाफट हम लोग उस बंदे के महले पहुंचते हैं, मैं ना उसको मार दूंगा तू देखे। तो पहले क्लिप में जहां पर स्मार्टी भाई देखते हैं कि हर एक बंदा हर एक मॉब जो है स्मार्टी भाई के रूप में बन गया है, मतलब कि सबके ऊपर स्किन चढ़ चुकी है स्मार्टी भाई की, लेकिन जब हमें सिनेमेटिक दिखाया जाता है तो यहाँ पर घोड़े के ऊपर नॉर्मल स्किन है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों है? तो देखो बाद में हमें पता चलता है कि ये जो वॉरियर है ये बंदा ऊपर से देख रहा था सब कुछ, तो मैं भी हो सकता है जो ये वाला सिनेमेटिक व्यू था उसी वॉरियर का था, और क्योंकि ये सारा स्किन वाला थी पांच उसने फैलाई सब कुछ उसी के कंट्रोल में है तो उसका भी एकदम नॉर्मल है जैसा कि नॉर्मल वर्ल्ड में होता है और इसीलिए उसे घोड़ा नॉर्मल स्किन में दिख रहा था। आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, मैंने अभी तक वीडियो को लाइक करने को नहीं कहा है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बिना कह कर देते हो, इसीलिए अब आप लोग इस वाली क्लिप को देखो। वो बंदा रीबर्थ लेकर आएगा एंड इस हिमलैंड्स को बचा सकता है, उसी तरीके से इसको भी एक जस्ट मरने से पहले एक प्रिडिक्शन दिखी थी। तो देखो यहाँ पर क्वीन जैस्मिन कहती है कि जिस तरीके से स्मार्टी भाई के सामने फ्यूचर प्रेडिक्ट हुआ था उसी तरीके से जैस्मिन के पास भी फ्यूचर प्रेडिक्ट हुआ था। क्वीन जैस्मिन के प्रेडिक्ट में ये था कि एक बंदा रिवर्स लेगा जो कि क्वीन जैस्मिन को आकर बचाएगा, और फोटो की जगह स्मार्टी भाई की फोटो लगी हुई थी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्वीन जैस्मिन को आखिरकार ये लिखता है, मतलब कि सारा काम हिमलैंड को बचाने वाला काम स्मार्टी भाई वगैरह लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वीन जैस्मिन क्या थीम पास कर रही है और वो आखिरकार मरी कैसे? यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है, क्या ड्रीम और एसजीओ स्मार्टी भाई को दोबारा से पहचानेंगे? क्योंकि वे लोग ये भी समझ सकते हैं कि क्लिविस ने इन्हें भेजा है, बट मे भी हो सकता है कि ड्रीम बॉय स्मार्टी भाई के ऊपर भरोसा कर ले क्योंकि वो प्रेडिक्ट वाली बात ड्रीम बॉय ने भी देखी थी। तो गाइस देखो, इस वाले एपिसोड के अंदर बहुत ज्यादा सवाल हैं और बहुत ढेर सारी मिस्ट्री भी छिपी हुई है और फाइनली हिमलैंड्स के अंदर पुरानी वाली वाइब दोबारा से आ गई है। सो इफ यू आर एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्मार्टी भाई लीव अ लाइक, और मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।